मैंने एक रेडीमेड ब्लेड बनवाई है जो कि पूरी तो मशीन है, पूरे घास को बारीकी से काट सकती है। तो यार गाइस, मैं इस घास से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और ये घास हमें बहुत प्रॉब्लम करता है क्योंकि हम यहाँ वॉलीबॉल जब खेलते हैं तो ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो आज इसको हम जड़ से काटने के लिए कोई ऐसी मशीन बनाए जिससे कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और जब भी हमें घास काटना हो तो हम इसको पूरी तरीके से काट सकें। अब हमें करना होगा क्या, हम ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं जिससे कि हमारी हमेशा की परेशानी खत्म हो सके, हमें जब भी घास काटना हो हम काट सके। अब मैं आपके लिए बता सकता हूँ कि यदि आपको भी ये मशीनें बनाना हो तो चलिए इसको बारीकी से अपन देखते हैं कि कैसे बनाते हैं और कैसे ये काम करती है। मशीन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिएगा, तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, मैंने ये दो पहिए जो कि लकड़ी के मैं हमेशा यूज करता हूँ और इसके साथ एक पीवीसी पाइप लिया और पीवीसी पाइप को उसके बाद में एक ये लिया जो कि हमें ग्राइंडर कसने में काम आएगा, एक पाइप और एक ये जो कि हमारा हैंडल के काम आएगा और ये हैंडल को साइड से घुमाने के काम आएगा और ये भी हैंडल में ही काम आने वाला। और ये रहा ग्राइंडर, जो कि ग्राइंडर में आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेडीमेड ब्लेड बनवाई है जो कि पूरी तरीके से बहुत धार है इसमें, और ये जो ग्राइंडर है इसमें मैंने नीचे की साइड में यहाँ पे कस दिया है। अब इसके बाद में मुझे कुछ छोटे मोटे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो भाई सर, सबसे पहली स्टेप होगी हमारी ये वाली जो कि हमें यहाँ लगाना है सबसे पहले इसका हैंडल, क्योंकि मैं इसको लगा देता हूँ और उसके बाद में सेकंड पार्ट्स में ये आएगा हमारा जो कि हमें इस तरीके से यहाँ से इसमें इस तरीके से लेना है। और उसके बाद में ये जो मैंने दोनों नट लगाए या दो कील लगाई है इनको इस तरीके से इसके अंदर एंटर कर देते हैं। ये हो गया हमारा इधर का पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें करना होगा ग्राइंडर को कसने के लिए, ये सबसे पहले ग्राइंडर को ही कसते हैं अपन। तो गाइस यार, ये सब कुछ हो चुका है रेडी, मतलब पूरे टोटल कंप्लीट कर दिया मैंने, ग्राइंडर को यहाँ पे कस दिया। तो गाइस यार, हमारे जो घास काटने वाली मशीन है वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गई है और देखने में आप इसको देख सकते हैं कि जो दो पहिए के ऊपर हमने इसको बनाई है वो चलने में भी कितनी मस्त दिख रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसको जैसे हम थोड़ा हम अपने हाथों से, यानी मैं जो हैंडल है इसको हैंडल को इसके अंदर डालता हूँ, ये डाला और इसको इसके बाद में इस तरीके से चलाएं तो जैसे भी हम जितना बारीकी से मतलब नीचे से काटना चाहेंगे वो ये हमारी जो मशीन है पूरे घास को बारीकी से काट सकती है। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि क्या हमारी मेहनत जो है वो सफल होती है या नहीं। तो चलिए गाइस, हम सब मिलके और आपके सामने घास काट के देखते हैं अब हमारी जो मशीन है इससे देखते हैं हम कि घास कटता भी है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको चालू कर लेता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ इसको चालू और देखते हैं कि क्या ये जो मशीन है हमारी काम करती है या नहीं करती है। अब ओए इसलिए तो भाई जान, आप देख सकते हैं कि जो हमारी तो गाइस यार देखा, हमारी जो मशीन है उसने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। अब मैंने जहां घास काटा है देख सकते हैं आप कि कितनी मोटी मोटी डगला जो है इसकी, ये मोटी मोटी डगला भी पूरी काट के फेंक दी इसने, मतलब बहुत बारीकी से भी काट रहा है, जहां से हम चाहे वैसे कट सकता है इससे, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको पूरी तरीके से चला के देखता हूँ। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं कि जो पूरा कचरा है वो हमारे ऊपर ही फेंक दिया इसने, क्योंकि एकदम से गड्ढा आने से मशीन एक साइड से बह थी तो उसने पूरा कचरा ही मेरे ऊपर फेंक दिया। मतलब हमारी जो मशीन है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब जहां जहां से हमारी जो मशीन आई है वहां और घास देख सकते हैं और साइड वाला घास देख सकते हैं, मतलब पूरा एकदम प्लेन से काटा हुआ है। ये जो मशीन है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अब यहाँ देखना, ये वाला घास है जो बहुत बड़ा है। अब मैं इसको एक बार इसको काट के देखता हूँ और इसको पूरी तरीके से साफ करके देखता हूँ। और जो कांटे का झाड़ है
इस कांटे को झाड़ को भी देखते हैं, अब हमारी जो मशीन है इसको काटती है या नहीं। तो गाइस यार हमारी मेहनत और हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, जो हमने घास काटने के लिए मशीन बनाई थी अब हमें एक घंटे में पूरा ग्राउंड साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप चाहे तो इसको घर पे बना सकते हैं, पर पूरा नॉलेज लेके पूरा सेफ्टी के साथ आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये है ग्राइंडर और इसमें जो पत्ती लगी है वो बहुत रिस्की है, उसमें बहुत धार है, अगर यदि बाय द वे टूटी या कहीं से ग्राइंडर जो तुम्हारा खिसका तो वो पेड़ पे भी आ सकता है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि यदि आपको जानकारी है तो आप ये कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी ऐसा ट्राई ना करें। मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या हम भी ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो वो मैंने आपको दिखाया और हमने बनाई भी है और आपके सामने बनाई और जिसने पूरी तरीके से वर्क भी किया। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले धमाल के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, हो सके तो शेयर जरूर कर देना वीडियो।